मॉर्निंग एवरीवन, ये आपका साइंस का क्लास है जिसमें आपका चल रहा था चैप्टर थ्री में क्या है, फाइबर्स। फाइबर का इंट्रोडक्शन आप लोगों को हो गया। आप लोग फाइबर जानते हैं क्या होता है। फाइबर जो है हम लोगों को दो तरीके से मिलता है, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है, मैन मेड फाइबर्स जो हम लोग बनाते हैं, और नेचुरल फाइबर्स क्या होता है, जो प्राकृतिक तरीकों से मिलता है हम लोगों को। तो नेचुरल फाइबर्स भी जो हम लोगों को मिलता है वो क्या है, एक प्लांट से मिलता है और एनिमल्स से। ये फाइबर से क्या होता है, फैब्रिक बनता है जो हम लोग कपड़े पहनते हैं। ये है हम लोग का बेसिक नीड्स होता है, रोटी कपड़ा और मकान जैसे होता है, तो कपड़ा जो है यही फाइबर से बनता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, आप लोग इसमें पढ़ चुके हैं नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स आप लोग पढ़ चुके हैं कॉटन के बारे में, जूट के बारे में, और नेक्स्ट है आपका सिल्क। तो आइए देखते हैं सिल्क हम लोगों को कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है, इसका इससे क्या मतलब, किस टाइप के कपड़े बनते हैं, क्या है सिल्क के बारे में जानते हैं। फाइबर टू फैब्रिक सिल्क। सिल्क इज एन एनिमल फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन इंसेक्ट कॉल्ड द सिल्क मॉथ। सिल्क जो है ये क्या है, एक एनिमल फाइबर है। नेचुरल फाइबर में भी ये क्या है, तो एनिमल फाइबर, एनिमल से हमको ये फाइबर मिलता है। अब ये कौन से एनिमल से मिलता है, तो विच इज ऑब्टेंड फ्रॉम एन इंसेक्ट, जो हमें एक इंसेक्ट से मिलता है, उस इंसेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्क मॉथ कहते हैं। मॉथ इट फीड्स ऑन मलबरी लीव्स। ये क्या खाता है, तो मलबरी लीव्स खाता है। मलबरी क्या होता है, मलबरी का पेड़ आप लोग देखे होंगे, इसका हिंदी होता है सहतूत का पेड़। तो अगर ये मलबरी लीव्स खाता है तो ये मलबरी के पेड़ पे भी रहता होगा। इट्स कैटरपिलर फ्रॉम ए सेल अराउंड इट्सेल्फ विथ इट्स सलाइवा। ये इसका जो कैटरपिलर होता है, कैटरपिलर क्या होता है, ये आप लोग जानते हैं, फ्रॉग का आप लोग पढ़ चुके हैं कि फ्रॉग जो एग देता है उसमें से जो निकलता है उसका बच्चा, उसको हम कैटरपिलर कहते हैं। बेबी फ्रॉग को हम लोग कैटरपिलर कर, ठीक उसी तरह से बेबी सिल्क मॉथ जो होता है उसे हम लोग कैटरपिलर करते हैं। वो क्या करता है, अपने चारों तरफ एक सलाइवा का निर्माण करता है, एक सेल का निर्माण करता है। दिस इज सिल्क फाइबर। वो जो सलाइवा जब बनाता है अपने चारों तरफ जो एक सेल का निर्माण करता है, वो वही सिल्क फाइबर है। द सेल इज कॉल्ड ए कोकोन। उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कोकोन कहते हैं। कोकोन्स आर कलेक्टेड फ्रॉम मलबरी लीव्स एंड आर बॉइल्ड इन वाटर। फिर क्या किया जाता है, जो कैटरपिलर जो एक सलाइवा का निर्माण, सेल का निर्माण करता है अपने चारों तरफ, उसको कलेक्ट किया जाता है मलबरी लीव से और उसको पानी में बॉइल किया जाता है। दस द इंसेक्ट्स इनसाइड द कोकन इज किल्ड। जो इंसेक्ट्स अंदर में रहता है, जो वो सेल बनाता है, आप लोग देख रहे हैं पिक्चर में दिया हुआ है कि सिल्क वॉर्म कोकन्स वाइट वाइट बाहर से हैं, अंदर में क्या है, इसमें इंसेक्ट्स हैं। इंसेक्ट जो है अगर उसको गर्म पानी में हम लोग गर्म करते हैं, तो अगर उसको बॉयल करते हैं तो क्या होता है, अंदर का इंसेक्ट जो है वो मर जाता है। द सिल्क फाइबर इज नॉ अनबॉन्डेड फ्रॉम द कोकोन्स। और सिल्क फाइबर जो है हम लोग कोकोन से तैयार कर लेते हैं। आइए अब सिल्क के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। सिल्क वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय चाइना। सिल्क का खोज जो है वो चाइना देश में हुआ है। वेन द सिल्क वॉर्म आर अबाउट 35 डेज ओल्ड दे आर रेडी टू स्पिन ए सिल्क कोकोन। सिल्क कोकोन जो है वो सिल्क वॉर्म जो है, कैटरपिलर जो है सिल्क वॉर्म, वो जो है कोकोन तैयार करते हैं, वो 35 डेज में कम्प्लीटली तैयार हो जाता है स्पिन होने के लिए। ए सिल्क वॉर्म मेक्स अबाउट 1 किलोमीटर लॉन्ग सिल्क थ्रेड एंड कम्प्लीटली इनक्लोज इट सेल्फ इन ए कोकोन इन अबाउट 2 or 3 days। दो तीन दिन में वो क्या करते हैं, 1 किलोमीटर इतना लंबा धागा तैयार करते हैं और ख़ुद को कम्प्लीटली उसमें पैक हो जाते हैं, जैसे कोकोन्स के अंदर पैक होते हैं, तो 2-3 दिन में वो 1 किलोमीटर इतना धागा का निर्माण कर लेते हैं। सिल्क जो होता है, सिल्क इज ए एक्सपेंसिव क्लॉथ। सिल्क जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव क्लॉथ होता है। ये कॉमर्शियल पर्पस में यूज किया जाता है, मतलब व्यापार में इसका यूज किया जाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वूल के बारे में। वूल क्या है, ऊन। आप लोगों ने ऊन देखा होगा, सर्दियों में जो हम लोग स्वेटर पहनते हैं वो ऊनी कपड़ा ही होता है, वो ऊन से बना होता है। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है
Wool is also an animal fiber and is obtained from the flesh of sheep. ये ऊन जो होता है, वूल जो होता है, वो क्या है, एक एनिमल फाइबर है जो हमें एनिमल से मिलता है. तो कहाँ से मिलता है, ये ऑब्टेंड होता है सीप के कतरन से. सीप का जो बाल होता है उसको जो हम काट के निकालते हैं वो होता है फ्लीस ऑफ सीप. फॉर एग्जांपल काश्मीरी गोट्स, मैरिनो सीप, ईटीसी. ए वेरी फाइन अंगोरा वूल इज ऑब्टेंड फ्रॉम द अंगोरा रैबिट्स. अंगोरा वूल जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है. तो ये हमको किससे मिलता है, तो अंगोरा रैबिट से. ये रैबिट जो है, खरगोश जो है, ये एक विशेष प्रजाति का होता है, अंगोरा प्रजाति का होता है, उससे हमको सबसे अच्छा ऊन मिलता है. सेकंड पॉइंट है फॉर गेटिंग वूल फ्रॉम शिप. द फ्लीस ऑफ शिप इज कट ऑफ एंड वूल फाइबर्स आर ऑब्टेंड. इसका मतलब तो आप लोग समझ रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, शिप के बाल को कट करते हैं और उससे हम लोग, मतलब उससे हमको फाइबर मिलता है. द प्रोसेस इज नॉन एज शेयरिंग. इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो शेयरिंग बोलते हैं. द वूल फाइबर इज देन क्लीन्ड. वूल फाइबर को क्या करते हैं, फाइबर कैसा होता है, फाइबर मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि रेसा होता है, उस रेसे को हम लोग क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं. क्लीनिंग इज द डन विथ मिल्ड डिटर्जेंट एंड सम केमिकल्स. इसको कैसे हम साफ करते हैं, तो डिटर्जेंट से और कुछ केमिकल से. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्क्वायरिंग. इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायरिंग बोलते हैं. देन दिस वूल इज स्पन टू मेक यार्न. और इस तरीके से क्या होता है कि वूल जो है वो धागा बनने के लिए तैयार हो जाता है. यार्न मीन्स क्या होता है, आप लोग जानते हैं, धागा. अब आपका थर्ड पॉइंट है मैरिनो वूल विच इज ऑब्टेंड फ्रॉम द मैरिनो शिप. मैरिनो वूल, मैरिनो ऊन जो होता है वो हम लोग को किससे मिलता है, तो मैरिनो शिप से. इज़ द फाइनेस्ट वूल. और ये जो होता है सबसे, मतलब बहुत ही अच्छा ऊन होता है. ऑस्ट्रेलिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वूल इन द वर्ल्ड. और ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा उत्पादक देश है ऊन का पूरे विश्व में. तो ये आप लोग आज पढ़े सिल्क और वूल के बारे में. अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, फाइबर टू यार्न एंड यार्न टू फैब्रिक आपका नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे. आज बस इतना ही. थैंक यू.